विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने वादा किया है कि गेहूं की फसल 2,700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। इसके साथ ही जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई है उन्हें मुआवजा देने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैनात करवाई जाएगी और हर थाने में एक महिला डेस्क बनाई जाएगी। वही मेरिट में आने वाली छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही भाजपा ने 5 साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया है। भाजपा ने वादा किया है कि सरकार आई तो गहलोत सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए SIT गठित की जाएगी। इसके तहत पेपर लीक, जल जीवन मिशन, वृद्धा पेंशन घोटाले समेत सभी घोटाले की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। महानगर टाइम्स ब्यूरो रिपोर्ट।